हेलो गाइस, आज हमारा ट्रेनिंग का पहला दिन है और हम अपने रूम से निकल चुके हैं। अब थैंक्स द ऑडिटोरियम जहाँ हमारी ट्रेनिंग होगी और साथ में अपने भाई हार्दस हैं जतिन शेखर। हाय, ये हमारा पहला दिन है ट्रेनिंग का और बहुत एक्साइटमेंट में जाएंगे। आगे आगे देखिए, पूरा सब कुछ दिखाएंगे। देखिए यहाँ से अब नीचे उतरते हैं और चलिए आपको लेके चलते हैं ऑडिटोरियम रूम। भाई क्या मतलब किसी लगे ना, ऐसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये देखिए इधर देखो, पूरा गैलरी है, यहाँ पे पूरा रूम बना हुआ है। ये सेम इधर टोटल पूरा 52 रूम्स है इधर। आइए आपको आगे लेके चलते हैं। अब देखिए हॉस्टल से बाहर आ चुके हैं। आइए आपको पीछे अपना हॉस्टल दिख रहा होगा, पीछे अपना हॉस्टल है। अब यहाँ से जा रहे हैं आगे ट्रेनिंग के लिए और अभी आगे आपको ऑडिटोरियम रूम मिलेगा। क्या नज़ारा है, आसपास पेड़ है, क्या फीलिंग्स है सर, बस बता नहीं सकते। बस साथ साथ जुड़े रहिए, पूरा मज़ा आएगा हमारे साथ आपको भी। ये आपका मैस है, यहाँ से हम लोग 8:30 बजे खाना वाना खा के फिर रूम से नहा धो के अपना निकल रहे हैं। और आगे आपका ऑडिटोरियम रूम है, जतिन भाई अपने आगे आगे चलते हुए डायरी वायरी लेके। और देखिए रास्ता है इधर से धीमे धीमे, हम देखते हैं ऑडिटोरियम अंदर क्या हो रहा है, फिर पता चल जाएगा आपको। बने रहिए साथ में। देखिए सर लोगों के आने से पहले लोग अपने शौक को पूरा करते हुए, सीटा पूरा खाली है, बस सर लोग कुछ समय आने वाले हैं और उससे पहले सब लोग अपना आकर बैठ चुके हैं। हाँ भाई, हरीश भाई, हाय, नाराज हैं क्या? देखिए सीटें भी कुछ आधी भरी हुई हैं, अभी सब लोग आने वाले हैं। कितने बैठी? आए तुम? ये क्या होता भाई, विक्ट्री कैसा कब मिलेगा भाई? 1 तारीख को आपको पैसा मिलेगा। 1 तारीख कितने में? मेरा नाम एस अंसारी है, बहुत बढ़िया। और एक सर्विस मैन नहीं, और बहुत सारे लोग सब पाना गिरी में आता था तो सब लोग एक सर्विस मैन ही मानते थे। उनको मैं एक स्टोरी सुना देता था कि जो अभिनंदन की F-16 मारे थे ना, तो मैं भी उसके साथ प्लेन उड़ा रहा था। अगर आप लगन से काम करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और मैं 15 साल नेवी में सेवा करके और आप लोगों के साथ अभी यूपी टीचर की सेवा करूँगा और आप लोगों से चाहता हूँ आप लोग जो है आप लोग भी हमारे साथ सहयोग करें और साथ में सेवा करें। ज़्यादा बढ़िया, जो बहुत
आप ऑफिस में बैठ के काम से और आप सामान तो लेता है, कंपनी को तुझे टेंशन नहीं है, मेरे को बहुत टेंशन होती है। बस थैंक यू। और जैसा कि मैं इस चीज को मानता हूँ कि सिलेक्शन जो है अगर बड़ा टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है तो उस टारगेट को हम छोटा छोटा करके स्टेप वाइज स्टेप हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। मैं 2016 में डिप्लोमा किया हूँ और 2019 में मेरा बीटेक हुआ है और डिप्लोमा और बीटेक मेरा दोनों ही लेटरल एंट्री से था। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, कोई कोचिंग तो नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा था। लेकिन ऐसा उस टाइम में कोरोना का पीरियड आया जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गोल मेरे लिए अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से मैंने फिर यूपीएससी को टारगेट किया और दिल से मैंने टारगेट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा ये क्लियर हुआ। हालांकि इससे पहले भी मैंने पेपर दिया था लेकिन उसमें मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं था उस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इस बार 2020 की जो वैकेंसी थी उसमें मैंने फोकस किया और मैं सक्सेसफुली उस एग्ज़ाम को बीट कर पाया। थैंक यू।